दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान आज दिल्ली के खिलाफ जीता जिताया मैच हार रहा है और इसके लिए उनके बल्लेबाज दोषी हैं, या फिर दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी अंतिम ओवरों में की? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको दिल्ली की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दिल्ली ने वाकई में इस बार टूर्नामेंट में लाजवाब खेल दिखाया है। हम आपको बता रहे हैं कि आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का अहम मैच खेला गया। इस मैच में आज दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली को पहली गेंद पर ही पृथ्वी शॉ के रूप में पहला झटका लग गया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी चलते बिने, लेकिन इसके बाद धवन और अय्यर ने शानदार साझेदारी निभाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 100 के करीब ले गए। हालांकि इसके बाद अंत में राजस्थान के गेंदबाजों के आगे दिल्ली के बल्लेबाज कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और उनकी टीम 20 ओवरों में महज 161 रन ही बना पाई। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के लिए 161 रन का लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और जिस प्रकार की राजस्थान को शुरुआत मिली बटलर और स्टोक के जरिए, वो तो लाजवाब थी। इन दोनों ने शानदार धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की शुरुआत में जमकर बखेड़े उखेड़ दी, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद स्मिथ भी जल्दी चलते बने। ऐसा लग रहा था कि मैच फंसेगा, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा ने शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम की जीत एक तरीके से कहें तो निश्चित कर दी थी। अंतिम 7 ओवरों में महज 50 रन की जरूरत थी, लेकिन फिर इसके बाद आया दिल्ली के गेंदबाजों का सैलाब। दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान के किसी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया, और जो राहुल तेवतिया अपने राजस्थान को अपनी बल्लेबाजी के दम पर पिछले 2 मैच जिता चुके थे, ऐसा लग रहा था कि वो इस बार जिता देंगे, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों के आगे राहुल तेवतिया की एक न चली और वो 18 गेंद में महज 14 रन ही बना पाए आज, और दिल्ली को एक रोमांचक और शानदार जीत मिली। क्योंकि एक समय लग रहा था जब 7 ओवर 50 रन की दरकार थी तो लग रहा था कि राजस्थान आसानी से जीत जाएगा, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों के कमाल के आगे राजस्थान के बल्लेबाज फेल हो गए और दिल्ली टॉप पर अब पॉइंट्स टेबल में पहुंच गया। अगर आपको भी इस बार का दिल्ली का प्रदर्शन शानदार लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि इसमें दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की या फिर राजस्थान के बल्लेबाजों ने अंत में अपनी गलती से मैच हारा।